भारत माता अभिनंदन संगठन सिलीगुड़ी इकाई के द्वारा विराट कवि सम्मेलन का आयोजन। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया, द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और बीबीसी 24x7 में। जैसे कि हम आपको बता दें, अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश को सदियों से यह इतिहास गवाह है कवियों ने हमारे समाज में लाया है। ऐसा ही बीरा ऋतु गर्ग जी के नेतृत्व में यहाँ पे सिलीगुड़ी में अलख जगाने का कार्य हुआ, जो सराहनीय है। इसके विषय में जितना भी प्रशंसा की जाए वह कम है। तो आइए इसी से जुड़ा हुआ तथ्यों को देख करके और उनसे वार्तालाप करके चीज़ों को और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। जय हिंद। द ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया, द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और बीबीसी 24x7 में। तो आज ये जो विराट कवि सम्मेलन हो रहा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं ऋतु गर्ग, राष्ट्रीय प्रभारी भारत माता अभिनंदन संगठन से, और हमारा प्यारा हिंदुस्तान के राष्ट्रीय महासचिव आज हमारे यहाँ पर हमारा प्यारा हिंदुस्तान के संस्थापक अध्यक्ष का आगमन हुआ और उनके सानिध्य में इसका विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सिलीगुड़ी के सभी प्रतिष्ठित कवि कवियों ने भाग लिया और इसमें योगदान देने के लिए अपना पूर्ण सहयोग दिया। और यहाँ पे भी हमारा प्यारा हिंदुस्तान एक देश प्रेम की भावना को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसका यहाँ पश्चिम बंगाल में भी स्थापना हो आज से हो चुकी, इसी के लिए आज का यह कार्यक्रम रखा गया। दीदी, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था, अपनी भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार और सभी में जो साहित्य के प्रति लगाव होना चाहिए और इसके प्रति रुझान देना चाहिए, इसके अंतर्गत अंदर की भावनाओं का जो है लुप्त होती जा रही है, साहित्य के साथ इसके अपनी भावना का उदय होता है, जिससे जन जागृति आती है और देश के कल्याण के कार्य होते हैं, देश का विकास होता है। जहाँ राष्ट्रभाषा का सम्मान होता है वहाँ पर अपना देश का साम्राज्य स्थापित होता है, और इसी के लिए हमने इसकी शुरुआत की। और यहाँ पर उपस्थित रहे सभी दर्शकों का, सभी कवि कवियों का मैं हार्दिक से अभिनंदन करती हूँ कि उनके आगमन से यह आज का प्रोग्राम बहुत ही गौरवपूर्ण रहा। ऐसे समय में देशवासी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देशवासियों को संदेश देना चाहती हूँ कि अपने भारत देश के प्रति लगाव रखें, अपनी संस्कृति के प्रति लगाव रखें और अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति लगाव रखें और इसके उत्थान के लिए ज्ञानशाला खोलें, जहाँ पर इसके विकास के लिए संक्षिप्त रूप से ही कार्य किए जाएँ, जिससे लोगों को जोड़ा जाए और साहित्य के प्रति, देश के प्रति लगाव उत्पन्न किया जाए, और इसके जिससे प्रचार प्रसार होगा तो हमारा देश उन्नति की तरफ जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे पूरी टीम की तरफ से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।